दिलबरिया से आर के साहब जो ठहरे हैं एमपी इलेक्शन में, आर के साहब को ज्यादा से वोटों से जिताइए। हम दरगाह स्टैंड से जितने भी ऑटो वाले हैं आर के साहब को सपोर्ट करने वाले हैं, और तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश है कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके राधे कृष्णा साहब को जिता कर लाएं। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केवीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कर्ल डॉट फिट, बेग न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल एंड बाय अलीमी पब्लिक स्कूल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आर के साहब जिंदाबाद, आर के साहब जिंदाबाद, हम सब के साथ भी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आदाब बर से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चल रहा है, मेरी अवाम से गुजारिश है, पूरे ऑल इंडिया अवाम से गुजारिश है कि अपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। और गुलबर्गे में राधे कृष्ण आर के साहब जो ठहरे हैं कैंडिडेट, मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि आज देख रहे हैं आप, पहली बात तो महंगाई कितनी हो चुकी है, पेट्रोल है, LPG गैस है, CNG गैस है, और उसके अलावा आप लोग जानते हैं BSNL 2014 से पहले BSNL था, आज क्या है मालूम है, रिलायंस है। ये बीजेपी वाले सब जितने भी टेंडर हैं बीजेपी अपने दोस्तों को दे रहा है, मोदी जो है ना बीजेपी हुकूमत है सब टेंडर, जैसा कि पेट्रोल है और आपका ट्रेन है, ये जो प्लेन है, सब क्या है मालूम है, मोदी अपने दोस्तों को ही दे रहे हैं। इस बार कांग्रेस को देकर क्या है मालूम है, गुजारिश करता हूँ मैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की वोट दो। देख रहे हैं आप OBC, जैसा कि OBC का जो वोट है अगर कांग्रेस को पड़ गया, पूरे माइनॉरिटी के कांग्रेस को पड़ गया, तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस हुकूमत आती। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी बोले हर महीना 8,500 रुपये डालता हूँ, बोल के बोले 8,500 विथ कर्नाटक में 2,000 रुपये, तो 10,500 वोट हो गए, तो अंदाजा लगाइए गरीब लोग का कितना फायदा है। अगर हर महीना 8,500 रुपये आ गए हैं गरीब लोग के खाते में तो बहुत सपोर्ट होता है। ये राहुल गांधी जो बोले हैं वो करके बताते हैं, कांग्रेस पार्टी करके बताती है। जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी बोले थे हर महीना 2,000 रुपये और राशन के, और ऊपर से बस फ्री, 200 यूनिट बिल फ्री, इसी तरह से क्या है मालूम है, राहुल गांधी जो बोले स्टूडेंट के लिए भी स्कॉलरशिप है। और यही कहना है गुलबर्गा से आर के साहब जो ठहरे हैं MP इलेक्शन में, आर के साहब को ज्यादा से वोटों से जिताइए। पूरे मैं ऑटो यूनियन गुलबर्गा प्रेसिडेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ, गुलबर्गा के जितने भी ऑटो वाले हैं पूरे मेरे भाई लोग, पूरे भाई लोग ऑटो वाले कांग्रेस पार्टी को वोट दो। मेरे सब ऑटो वाले भाइयों से मेरी गुजारिश है कांग्रेस को वोट दो, आर के साहब को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, आर के साहब को वोट दो, आर के साहब को ज्यादा से वोटों से जिताइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद रहीमुद्दीन, ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट दरगाह एरिया से बोल रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हमारे रहीम भाई कुछ बोले आपको सबको, और रहीम भाई जो बोले बिल्कुल सही बोले, हम दरगाह स्टैंड से जितने भी ऑटो वाले हैं आर के साहब को सपोर्ट करने वाले हैं, और तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश है कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके राधे कृष्णा साहब को जिता कर लाएं। कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस जो वादा करी थी लेडीज़ को बस फ्री करे, बहुत अच्छी बात है, और महीने को 2,000 रुपये डाल रहे नौ, जो भी बोल रहे हैं सब करके दिखा रहे हैं, बस फ्री करे 2,000 रुपये डाल रहे हैं, और राशन का जो बोले वो भी कर रहे हैं, 200 यूनिट बिल फ्री है। तो अब आगे राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं 8,500 रुपये का, इंशाल्लाह वो भी हो जाए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, और अब की बार कांग्रेस की सरकार है। अब ये लोग जो बोल रहे हैं 400 के पार बोलकर, वो बीजेपी 400 पार जाने वाली नहीं है, राहुल भैया जी 400 पार सीट लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह इंडिया में। तो हम ऑटो वालों की तरफ से बात कर रहे हैं दरगाह स्टैंड से, हमारे जितने भी ऑटो वाले भाई हैं दरगाह एरिया में, पूरे के पूरे आर के साहब को, राधे कृष्णा साहब को सपोर्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको जिताने वाले हैं हम लोग। गुलबर्गा में हमारे जितने भी ऑटो वाले भाई हैं हम आपस में बात कर लिए, मतलब जैसा कि जितने भी जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरा, जितने भी हमारे ऑटो वाले भाई हैं गुलबर्गा सिटी में, सबसे गुजारिश है कांग्रेस को वोट देकर उनको जिता कर लाकर, और आगे जो है ना इंशाल्लाह कारोबार में हर चीज में जो है ना तरक्की होंगी इंशाल्लाह हमारी। 10 साल से हमारी तरक्की रुकी हुई है, महंगाई बढ़ गई,
हम आटे वाले 2014 से पहले एक 4 से 5 कमा कर जो है ना इंशाल्लाह घर चलाते थे अच्छे से अच्छा। 2014 से मोदी जी जब से आ गए हैं इंडिया में, 1000 भी अगर हम कमाए इंशाल्लाह 24 घंटे मेहनत करके भी कुछ भी होने वाला है नहीं उससे। महंगाई इतनी बढ़ गई, हद से ज्यादा बढ़ गई महंगाई हर चीज। पेट्रोल का देखो, कांग्रेस की सरकार में जो है ना 60 रुपए 62 रुपए था लास्ट, 100 100 रुपए है, और हमारे गैस का रेट 30 रुपए था। हम 150 रुपए के गैस में हम आटे वाले कम से कम 250 रुपए में अच्छा गुजारा होता था हमारा गैस के बगैर इसमें। तो आज क्या है मालूम है, 400 500 की गैस जा रही, मतलब घर के गैस को 400 लास्ट था कांग्रेस के इसमें, अब 1000 रुपए 1100 रुपए हो गया। ज्यादा से ज्यादा हमारे आटे वाले जितने भी भाई हैं, जो भी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में आवाम है हमारी, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को सपोर्ट करो इंशाल्लाह, राहुल गांधी साहब को जिता कर लाओ और आरके साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उनको जिताइए। और दूसरी बात जो है ना, और आपकी बात जैसा कि राहुल भैया 400 के पार जाने वाले हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल 100% राहुल भैया 400 के पार जाने वाले हैं। पता है हमको ऑटो वालों की ऐसी की बात ऐसी ऐसा वैसा वगैरह जो भी है इंशाल्लाह। तो रहीम साहब के सपोर्ट से जो है ना हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो वाले दरगाह स्टैंड से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे कांग्रेस से गुलबर्गा में राधे कृष्णा जी तैर रहे हैं, मेरी गुजारिश है उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताइए। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अलशरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कर्ल.फिट, बिग न्यूरोसाइकेट्री हॉस्पिटल एंड बाय अलीमी पब्लिक स्कूल।